देन सब्सक्राइब करें चैनल ब्यूटीफुल यू को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन आती है। थैंक यू। हेलो मेरे ब्यूटीफुल दोस्तों, आपके बालों की ग्रोथ, शाइन और हेल्दी होना आपकी केयर पर डिपेंड करता है। ज़रूरी है कि आप हफ्ते में एक कम से कम हेयर रेमेडी ज़रूर ट्राई करें, या फिर कह सकते हो कि हेयर मास्क ज़रूर ट्राई करें। आज की रेमेडी आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि वो आपके बालों को सिल्की, शाइनी, हेल्दी बनाती है, साथ ही साथ आपके बालों को लंबा कर आपके बालों को घना बनाने में मदद करती है। चलिए वीडियो शुरू करती हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको लेना है पूरा एक कप पानी। उसके बाद इसमें ऐड करें 4 से 5 चम्मच चाय पत्ती के। हल्का सा बॉयल आने के बाद चाय पत्ती आपके बालों के लिए एक नेचुरल और एक बहुत अच्छा कंडीशनर है। आपके बालों को नेचुरल शाइन देने में मदद करता है और आपके बालों का झड़ना रोकता है। सेकेंड इंग्रेडिएंट हम लेंगे आंवला पाउडर। आंवला पाउडर में विटामिन सी होता है, ये आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है बहुत तेज़ी से। इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर आपके बालों के लिए एक हेल्दी फूड जैसा है। आप इस मिक्सचर या फिर इस पेस्ट को हफ्ते में 2 बार ज़रूर ट्राई कर सकते हो। अक्सर सर्दियों में बालों की ड्राइनेस, डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसे में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। आंवला पाउडर भी इसमें मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच ऐड किया है। उसके बाद अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको आधे घंटे के लिए रख दिया था और उसके बाद बालों पर अप्लाई किया। ऐसा करने से ये अच्छे से मिक्स हो जाती है, इसकी गुडनेस चाय पत्ती में मिक्स होती है, और जब आप इसे अपने बालों पर लगाते हैं तो ये एक नेचुरल कंडीशनर जैसे आपके बालों के लिए काम करता है। हमेशा अपने बालों में नहाने से पहले इसको लगाकर नहाते वक्त शैम्पू करें, अच्छे से वॉश करें, और रिज़ल्ट देख सकते हो आप 2 से 3 हफ्तों में। लगातार हफ्ते में एक बार ज़रूर लगाएं अच्छे और बेस्ट रिज़ल्ट के लिए। ये आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपके बालों का झड़ना रोक, हेल्दी और शाइनी बनाता है। आई होप गर्ल्स यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू एंड लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।